अरे तुम तो दिखने में बहुत भोली वाली दिखती हो, क्या तुमने 80 लोगों को मार डाला? तुम्हारा नाम क्या है? ए डक्कन घूरती क्या है? हाँ एक घुसा मारो तो थोपड़ा पटक जाएगा। ए बताना नाम क्या है, यहाँ कैसे आई? झूठा केस बनाकर हमें अंदर डाल दिया। हम लोग रोजी रोटी के लिए कुली का काम करते थे, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए झूठे केस में फंसाया। तेरी तो तेरे जैसा हरामी बहुत देखी, अंदर कोई माल वाल छुपा के रखा है क्या ये देख रही थी? इसमें शर्माने की क्या बात है? यहाँ पे सारे महिलाएं हैं, यहाँ पे कोई मर्द नहीं है, यहाँ सब बाल बना के नहा के कपड़ा पहनते हैं। तेरे पास जो है ना वो भी हमारे पास है, समझी? मेरी सुंदरी, इन सब बातों में बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू। अच्छा ये बता पगली, अपने पति का खून करके तू यहाँ जेल में सड़ रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तू ए, अरे बस कर कमीनी, तू किसी से कम है क्या? साली तुम भी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो, जायदाद के लिए अपनी बेटी को ही जहर देकर तुमने मार डाला, ज्ञान मत बांट। ए लोफर बदतमीज, थू, चुप हो जा कलमुही। अरे तुम तो खुद अपने गांव वालों को चुना लगाकर पैसा लूटी हो और यहाँ आकर शराफत की बातें करती हो। ए मेरे बारे में ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। दीदी आज तो हमें अंदर छोड़ेंगे ना? पिछली बार तो नहीं छोड़ा था, तुम्हें क्या लगता है? वो तो पता नहीं, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। भाई साहब। ए कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है। हमें अंदर जाने दीजिए साहब। अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए। उन्होंने हमें बुलाया साहब, जाने दीजिए ना। आपको बुलाया है क्या? साहब ने हमें बुलाया था। हाँ जाने दीजिए ना साहब। जाने दीजिए। हाँ ठीक है, चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो जाओ जाओ। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। बंद करो, चल दरवाजा बंद कर दे। सर, कुटी गैंग से मिलने के लिए बाहर तीन लोग इंतजार कर रहे हैं। कौन, एक आदमी और दो महिलाएं? हाँ सर। नहीं मिल सकते, वापस भेज दो। सर कितना भी बोलो उन्हें, वो लोग नाटक ही करते हैं। ठीक है अंदर ले आओ उन्हें। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, हम वहाँ से आए हैं साहब, हमको हमारे घर वालों से मिलने नहीं दे रहे साहब। तीन हफ्ते से ये लोग हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं साहब, जब भी आते हैं हमें वापस भेज देते हैं। आज रहम कीजिए, हमें अपने घर वालों से मिला। तुम लोग उनसे मिलने के लिए परमिशन मांग रही हो? उन्हें आज ही बेलगाम जेल में शिफ्ट कर दिया है। कहाँ लेकर गए साहब? बेलगाम जेल। साहब मजाक क्यों करते हो, वो लोग अगर अंदर रही है तो परमिशन क्यों देते हो साहब जी? मजाक करने के लिए, तू मेरी पत्नी है क्या? आज सुबह सुबह उनको शिफ्ट किया गया है बेलगाम जेल में, वहीं पर उन्हें फांसी दी जाएगी। नहीं साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, उनको छोड़ दो। इन सबको बाहर निकालो, चलो इन्हें बाहर लेके जाओ, चलो यार छोड़ो, हटो हटो पीछे हटो, लेके जाओ उन्हें, चलो जल्दी लेके जाओ। हाँ ये डी गैंग के ही लोग थे, रोज चले आते हैं तंग करने के लिए, ये तो आम बात है। मेम साहब पीने के लिए पानी दीजिए, गला सूख रहा है मेम साहब, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। एक मिनट रुको।
प्रताप। कमिंग सर। सर, इस इंसिडेंट को हुए एक घंटा हो गया है। हस्बैंड अब्रॉड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पेरेंट्स आए हैं, घर से सभी वैल्यूएबल चीजें चोरी हो गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सर, मुझे शक है कि गैंगरेप हुआ है। मीडिया को फोन किया था? नहीं सर, अभी तक बताया नहीं। मत बताना। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। चंद्रिका, पिछले बुधवार को तुम लोग कहाँ थे? कोर्ट गए थे साहब, वकील साहब ने आने के लिए कहा था, इसीलिए गए थे साहब। वहाँ कितने बजे गए थे और बीच में वहाँ से कहाँ गए थे? हम कहीं नहीं गए थे साहब, हम तो वकील साहब से मिलने के लिए गए थे, वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, बस उसके बाद कहीं नहीं गए साहब। ऐसा है क्या? हाँ साहब। प्रताप सर, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं, इसका तुम पता करो। ओके सर। तुम्हारे आदमी लोग जेल में हैं और तुम कहती हो कि तुम लोग कोर्ट में गए थे। ठीक है। कल से तुम सब यहाँ थाने में आके साइन करके बाद में कहीं जाओगे, समझ में आया? हाँ साहब। हाँ ओके, निकलो निकलो यहाँ से। आओ। हेलो, मैं यही है उमेश झा। भाई साहब, आपने बहुत रेप किए, कैसे किया हमें बताइए। हाँ भाई, हम भी सुने, बहुत दिन हो चुके हैं भाई। भाई जरा सुनाइए ना। सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई। हाँ तो भाइयों, इस उमेश ने अब तक 36 बलात्कार किए हैं। ए कमीने, ए उमेश झा, तुमने जिस स्कूल में पढ़ाई की है ये वहाँ के प्रिंसिपल हैं। तुम नालायक लोग सिर्फ जिंदा लड़कियों का ही रेप करते हो, इसने तो मरी हुई महिलाओं के साथ भी रेप किया है, समझे? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक गैंग का है। धिक्कार है तुझ पर, दिन भर ऊपर वाले का नाम लेता रहता है और रेप की कहानियां सुनाता रहता है, नालायक। एक मारूंगा तेरा दिमाग हिल जाएगा पागल। ए वहां क्या कर रहे हो तुम लोग? ए जल्दी से अंदर जा, चल। जा रही हूँ ना। हाँ, अपने आप को बहुत शानी समझती है क्या? एक औरत होकर ऐसा करती हो? तेरे चिकने बदन को देखकर मेरा तो मूड बन गया। अरे ये तो बिचारी है, तुझे तो रात होती तो मूड आ जाता है, तुझे दूसरे कमरे में डालने के लिए बोला तो भी नहीं सुनते। अम्मा मैं तो कहाँ फंस गई, अच्छी नींद आ रही थी। अरे मुझे सोने दो। आजा आजा, सो जा मेरे बाजू। हाय अभी। सर सुनो, बहुत इन्फ्लुएंस है, तुम बेलगाम जेल जा करके डी गैंग से मिल सकती हो, परमिशन ला दिया है। सच में? ये लो। आर यू हैप्पी? थैंक यू सो मच सर। ओके ना? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू।
पता नहीं हमारा क्या होगा। ऊपर वाला पता नहीं हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। कल प्रेस वाला आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। हमको तो सबकी नजर में कातिल बना दिया है। पुलिस वालों ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है, और ऊपर से ये प्रेस वाले, ये हमें और दर्द देने आएंगे क्या, पता नहीं। ये तो हमारी कहानी छाप के पैसा कमाने का धंधा है। हाँ, हम करें तो क्या करें, हम लोग गरीब है ना, इसलिए ये लोग हमारे साथ अपनी मनमानी करते हैं। हमारे गांव की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई बाहर का लड़का तैयार नहीं हो रहा है, समझे। एक बार उस प्रेस वाले को आने दो, फिर हम उसे बताएंगे। सब अपना अपना फायदा उठाते हैं, नुकसान तो हमें ही सहना पड़ता है ना। देखते हैं कल। ला मुझे दे। क्राइम रिपोर्टर। मैंने आपसे कहा था ना सब पापी हैं, कहीं छुप के बैठे होंगे। ए कोटी, सूरज, नीरज, सब लोग कहाँ हो, यहाँ हो। सर सब आओ रे। मैडम, इनकी गैंग में एक महिला भी है, ये भी उनके कारनामों में भागीदार है। ए नीचे बैठ जा। से आधा घंटा प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। आप बात करिए मैडम, मैं यहीं पर रहता हूँ। परमिशन लेते समय स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था सर। आप बात समझने की प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मजाक उड़ाएगी तू? हमारी मौत के पहले तू हमसे मिलने के लिए आई है ना? पेपर में फोटो छाप कर हमारी मौत का मजा लेगी तू? मार डालो इसे। मैडम, मैंने पहले कहा था कि मैं आपके साथ यहीं पर रुकता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। अरे ये लोग इंसान नहीं जानवर हैं। इंसान को मार कर उसका खून पीने वाले शैतान हैं ये लोग। आपको किसने बोला कि ये लोग बेचारे हैं? मैडम, ये लोग बेचारे नहीं हैं। आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? ये बात मेरे भेजे के अंदर तो घुस ही नहीं रही है। मैडम, आपने परमिशन क्यों ली? ए, खुद प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर के तुमसे मिलने के लिए आई है, और तुम लोग उनकी गर्दन पकड़ कर उन्हें मार रहे थे। तुम लोग राक्षसों की औलाद हो। ए, ए, सुनो पापियों, तुम लोग इनके साथ राक्षसों के जैसा बर्ताव कर रहे हो। हाँ? और ये तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई है, और तुम लोग इन्हें मारना चाहते हो? तुम्हें तो शमशान घाट में ले जा करके जिंदा जला देना चाहिए। तुम्हें तो लाठी से मार मार सर, करके सर, मत मारियो प्लीज। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ओह, अगर कोई और इनकी जगह पर होते तो ऐसा ही बर्ताव करते। मैं जानती हूँ सर। सुनिए, मैं इन लोगों से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन लाई हूँ सर। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। जो सब इनके बारे में कहते हैं वो सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा यकीन कीजिए। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, पेपर वालों की तरह हम आपको भी समझ गए थे, गलती हो गई, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम तो मजदूर है मैडम,
इन लोगों ने गलत तरीके से हमें अंदर डाल दिया। 6 सालों से ये लोग पेपर में, टीवी में हमारे बारे में गलत सलत छापते रहते हैं मैडम। कहते हैं हम लोगों ने 80 खून किए। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया मैडम। आपको गलत समझ के आप पे हमला कर दिया हमने। इन लोगों से गलती हो गई मैडम। हमें क्षमा कर दीजिए मैडम। हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। बाहर निकालिए। हमने अपनी जिंदगी में पुलिस वालों से और प्रेस वालों से बहुत दर्द सहा है मैडम। हम अपना दर्द आपको कैसे समझाएंगे मैडम। हम लोगों को माफ कर दीजिए मैडम। मैडम अगर आप हमें न्याय दिलाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ बता दूंगा आपको। सब बता दूंगा। आप हमें न्याय दिलाएंगे ना मैडम। पुलिस वालों ने हमें मार मार के झूठ को सच में बदल दिया है मैडम। हम क्या करें मैडम। मैडम पुलिस वाले यहाँ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मैडम। हमें बचा लीजिए। सुनो, अभी तक तुम सबको किन किन लोगों ने धोखा दिया ये तो मैं नहीं जानती, पर घबराओ मत। मैंने आज तक जो भी सीखा है, कसम है उस विद्या की, आत्मशक्ति की, तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारी केस के बारे में बहुत जान लिया है, पूछताछ भी कर रही हूं। तुम्हारे बारे में जो भी लोग कहते हैं या फिर ये पुलिस वाले जो भी कहने की कोशिश करते हैं कि तुम खूनी हो, रक्त पीने वाले शैतान हो, पर मैं इस बात को नहीं मानती। लोग चाहे जो भी कहे, मैं अपने सिद्धांतों पर अटल हूं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि सजा से आपको पूरी तरह से राहत मिले, लेकिन आप सब पे जो कलंक लगा है मैं उसे मिटा कर रहूंगी। लेकिन आप सबको सच बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, सच्चाई जानना जरूरी है। अगर आप लोग सच बताओगे तो इसी सच्चाई के आधार पर आप सब लोगों का भविष्य निर्भर करता है। बताइए। हम लोग बहुत तकलीफ उठा के आए। हमने सारे काम किए, कुली का भी काम किया।